मेरा संगनी में आज ज्ञान सुधा बना रही है बेसन का चीला। जी हाँ, आज ब्रेकफास्ट में मैंने बेसन के चीले बनाए हैं। इस बेसन के चीले में मैंने थोड़ा सा कैप्सिकम डाला है, टमाटो डाला है, धनिया पत्ती डाली है, थोड़ा सा पालक और थोड़ा सा कैबेज भी डाला है। सब कुछ छोटा छोटा काट के डाला है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर छोटे बच्चे का है तो उसमें हरी मिर्च और ऑनियन आप नहीं डालना, और बड़े आदमी का है, बड़े बंदे का है, तो फिर आप उसमें ऑनियन और हरी मिर्च भी डाल दें तो और भी लजीज लगता है। और नमक और इसे बेसन में पानी डालिए, घोल बनाइए और तवे पे चीला रेडी कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे वेज ऑमलेट भी बोल सकते हैं। बेसन के चीले के साथ गर्मा गर्म एक कप चाय रहे, धनिया पत्ती की चटनी और दही रहे, तो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है, जो कि हम इसी तरह से खाते हैं और हमें बहुत पसंद आता है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। टाइम है क्या तुम क्या? ओह अच्छा, ठीक है। क्या स्पून दे, फॉक और वो दोनों दे। बस फॉक दे। चीले के बाद अब बारी है चाय की। चाय के बर्तन की हालत मेरी इसलिए इतनी बुरी हो चुकी है क्योंकि मैं जब चीला देने गई तो थोड़ी सी चाय गिर गई थी। हालांकि चाय बच गई है इतनी कि हम पी सकें, और चाय मैं दे दूं, उसके बाद मैं आप लोगों से आगे बात करती हूँ। चाय नीचे रख दे। पानी दे। नाउ स्ट्रगल टाइम। किचन ये वो जगह है जहाँ आप मुझे कहीं जब मैं ना मिलूं तो आप मुझे यहाँ ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो मुझे पूरे घर में जब देख लेता है और जब मैं उसे कहीं नहीं मिलती तो लास्टली वो इसी जगह में आकर मुझे ढूंढता है, और मैं यहाँ लगभग हर टाइम अवेलेबल रहती हुई हूँ। तो मेरा खाना बन चुका है। मैंने खाने में बनाई है आलू गोभी और लौके की और दाल की सब्जी बनाई है, और ये राइस बन रही है, और ये मैंने पालक वाली दाल बनाई है। पालक और मिक्स दाल मिक्स करके मैंने मसाले वाली दाल बनाई है। और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या बात है भाई, आज ज्ञान सुधा तो बहुत चमक रही है। तो मैंने सोचा कि हाँ, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, मैं सोच रही हूँ आप लोगों से मैं यहीं पर बात कर लूँ, क्योंकि मुझे राइस देखने में भी आसानी हुई और राइस को देखने के साथ साथ मैं आप लोगों से बात भी कर लूँगी, और जो मुझे बताना है आप लोगों को मैं वो भी बता पाऊँगी। एक्चुअली मैंने आज ठीक से बाल भी बना लिया है, मैंने कपड़े भी छल्ले डाइव नहीं पहने हैं, मैंने बहुत अच्छे वाले कपड़े पहन लिए हैं। तो आप तो सभी YT फैमिलीज़ को ज्ञान सुधा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, और बहुत लंबे टाइम के बाद, आई थिंक बहुत लंबे टाइम के बाद मैं आप लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्ट हो रही हूँ। जनरली मैं ब्लॉग में आ जाती हूँ या फिर लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ। हालांकि आजकल मेरा वीडियो का फ्लो थोड़ा कम हो गया है, जिसके चलते भी काफ़ी कमेंट्स आए कि वीडियोज़ ये वीडियोज़ वो वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, इस तरह के वीडियोज़ बनाएँ। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी और भी बातें थी, तो इन सब बातों को बताने के लिए मुझे लगा कि आज स्पेशली मैं आप लोगों से इंटरेक्ट हो जाऊं और आप लोगों को बताऊं कि कौन से इश्यूज हो रहे हैं मेरे साथ, जिसके चलते मैं नहीं बना पा रही हूं, जिस उस फ्लो से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही। पर अब वो टाइम, वो पीरियड मेरा ख़त्म हो चुका है, वो टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अब ऐसा नहीं होगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं हर वैरायटीज़ की वीडियोज़ ला सकूँ, स्किन केयर हो, लाइफ स्टाइल हो, या फिर मेरे ब्लॉग्स हो, जो कुछ भी हो। तो
आज के वीडियो की खास बात ये है कि मैं सब कोई से, मतलब जो भी मेरे वाइटी फैमिलीज हैं और जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और किस कारण से मैं 2-3 महीने से मेरे जो वीडियोस का फ्लो है वो काफ़ी कम हो गया था। तो इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए और मैं इतनी खुश क्यों हूँ, हैप्पी क्यों हूँ, तो मेरी खुशी के बारे में जानने के लिए, आप लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर करने के लिए, इन सारी बातों के लिए मैंने आज का ये वीडियो शुरू किया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बातें आप लोगों से करती रहूँगी। एक्चुअली मेरे राइस को लग रहा है कि अब ये हो चुका है तो इसका पानी निकालने का टाइम आ गया है, तो बातें चालू रहेंगी। आप मुझसे जुड़े रहिए, कहीं जाइए मत। मैं बस राइस का पानी निकालूँ और आप लोगों से फिर से वापस इंटरेक्ट हो जाऊँगी। तो प्लीज़ स्टे। हमारा लंच रेडी हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। थोड़ी देर में शिवाय भी आ जाएगा स्कूल से, तो मैं उसे लेने के लिए नीचे जाऊंगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बातें कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर करूँ। तो मैंने फ़ोन को लगभग सेट कर लिया है, मैं दिखाई दे रही हूँ आप लोगों को। तो शुरू कहाँ से करूँ ये नहीं समझ आ रहा है, पर बहुत खुश हूँ और बहुत खुशी की बात भी है। हर किसी के लाइफ में ये बहुत ज़रूरी होता है, हर औरत के लाइफ में ये बहुत ज़रूरी होता है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये दूसरी बार मौका मिल रहा है। जी हाँ, आई एम प्रेगनेंट और इसलिए 2-3 महीने से मेरे वीडियो का फ्लो थोड़ा कम हो गया था। शुरुआती टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं थोड़ा बैक चली गई और मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही थी, पर अब मैं ठीक हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद और दुआएं रही तो आगे भी बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इस सिचुएशन में अपने वीडियोस क्लोज करूं या अपने चैनल को क्लोज करूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूं और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने मोमेंट्स को, अपनी यादों को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, आप लोगों को बता सकूं और कितना कुछ हो रहा है या क्या कुछ खास रह रहा है या क्या कुछ खास हो रहा है वो सब मैं आप लोगों को बता सकूं। एंड आई एम सो हैप्पी कि जितनी खुश मैं हूँ उतनी खुश मेरे घर वाले हैं, मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है। तो सबके सपोर्ट के साथ साथ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी, तो और आप लोगों के प्यार और आप लोगों के दुआओं की ज़रूरत होगी। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में ये कहा था कि आप स्किन से रिलेटेड इश्यूज बताती हैं लेकिन आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही हैं। तो मैं अपनी हेल्थ का ध्यान कुछ ज़्यादा ही रख रही हूँ, इसलिए मैं मोटी हो रही हूँ। तो ये मोटापा 9 मंथ का है, तो उसके बाद से ठीक हो जाएगा। तो मैं मेरी प्रेगनेंसी को अभी 4 मंथ हो चुके हैं, 5 मंथ है, अब हम 3 से 4 होने वाले हैं। तो आप लोगों के दुआओं की बहुत ज़रूरत है कि सब कुछ अच्छे से हो, सब कुछ अच्छा हो और मुझे सक्सेस करिए, कामयाब करिए, क्योंकि आपके प्यार की, आपके सब्सक्राइब की, आपके लाइक की मुझे और आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। तो इस सिचुएशन में भी मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ, तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरा साथ ना छोड़ें और मुझे ढेर सारा अपना प्यार दें। और अगर आप में से कोई भी मुझे पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था मेरी प्रेगनेंसी को लेकर, जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है।
तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगी। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो लाइफस्टाइल का हो या फिर स्किन केयर का हो या फिर मेरा ब्लॉग हो, लेकिन मैं जुड़ी ज़रूर रहूँगी आप लोगों से और जल्द लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपना सपोर्ट बनाए रखें, मेरे वीडियो को प्यार दे ढेर सारा। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत 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 जल्द मिलूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।